हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल सी एस पी स्टूडेंट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया एक और वीडियो जो कि है फीचर इंजीनियरिंग स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन के। सो यहाँ पर है कि इफ़ यू आर एन ML मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर देन यू मस्ट हैव कम अक्रॉस द टर्म फीचर स्केलिंग। ये अपनों ने पिछले वीडियो में देखा था। इट इज़ कंसिडर्ड एज एन अनएस्केपेबल पार्ट ऑफ द डेटा प्रोसेसिंग साइकिल सो that we can achieve stable and faster training of our ML algorithm। कह रहा है कि ये जो फीचर स्केलिंग है उसको अनएस्केपेबल पार्ट ऑफ डेटा कहते हैं प्रोसेसिंग साइकिल का। क्यों? क्योंकि जिससे कि हम अचीव कर सके स्टेबल एंड फास्ट ट्रेनिंग अपनी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम की। तो इस आर्टिकल में, इस पर्टिकुलर वीडियो में, वी विल लर्न अबाउट डिफरेंट टेक्निक्स विच आर यूज टू परफॉर्म फीचर स्केल स्केलिंग इन प्रैक्टिस। सो वट इज़ फीचर स्केलिंग एज वी स्टडीज लास्ट लास्ट वीडियो ऑल्सो इन लास्ट वीडियो ऑल्सो। सो इट इज़ अ टेक्निक टू स्टैंडर्डाइज द इंडिपेंडेंट फीचर्स प्रेजेंट इन द डेटा इन अ फिक्स्ड रेंज। जो इंडिपेंडेंट डेटा है, कोई भी डेटा, जैसे कि पिछले में आपने एग्जाम्पल लिया था एज का, सैलरी का और BHK का, अपार्टमेंट की जो साइज़ है BHK, तो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। तो जितने भी इंडिपेंडेंट डेटा हैं उसको एक फिक्स्ड रेंज के अंदर डालने के लिए हम क्या करते हैं, ये फिक्स स्केलिंग करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। इट इज़ परफॉर्म ड्यूरिंग द डेटा प्री प्रोसेसिंग टू हैंडल हाई वेरिंग मैग्नीट्यूड्स और वैल्यूज़ और यूनिट्स। इसको हम परफॉर्म करते हैं डेटा प्रोसेसिंग के दौरान, जिससे कि हैंडल कर सके हाईली जो वेरिंग मैग्नीट्यूड है या फिर वैल्यूज़ है या फिर यूनिट्स है उन। इफ फीचर स्केलिंग इज नॉट डन देन अ मशीन लर्निंग एल्गोरिदम ट्रेंड्स टू वे ग्रेटर वैल्यूज हायर एंड कंसिडर स्मॉल वैल्यूज एज द लोअर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ द यूनिट ऑफ द वैल्यूज। अगर देखो फीचर स्केलिंग नहीं करेंगे तो सबसे लास्ट वाली वीडियो में हमने देखा था कि जो डिस्टेंस निकाल रहे हैं या फिर हम कुछ भी करेंगे तो वो कोई भी एक फीचर है वो डोमिनेट करेगा, कोई भी एक जो फीचर है वो उस पर्टिकुलर जगह पर डोमिनेट करेगा। तो इसके लिए हम फीचर स्केलिंग को यूज़ कर लेते हैं। फीचर स्केलिंग से हम जो डोमिनेशन वाला पार्ट है उसको इरेडिकेट कर दें, ठीक है। सो सबसे पहला है एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्केलिंग। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्केलिंग, वी शुड फर्स्ट सेलेक्ट द मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू आउट ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर मेजर। देखो इसकी जो टेक्निक्स हैं वो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो सबसे पहले हम पहली टेक्निक उठा रहे हैं जिसका नाम है एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्केलिंग। तो हमने एक पर्टिकुलर मैक्सिमम एब्सोल्यूट वैल्यू को उठा लिया, ठीक है, एंटायर पर्टिकुलर मेजर के अंदर। देन आफ्टर दिस वी डिवाइड ईच एंट्री ऑफ द कॉलम बाय दिस मैक्सिमम वैल्यू। हम क्या करेंगे, उसको डिवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? एक्स आई माइनस मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय मैक्स। ओके, तो बेसिकली हम उसका डिवीजन कर रहे हैं और डिवीजन करके उसको मैक्सिमम से डिवीजन डिवाइड कर रहे हैं। तो एग्जांपल के लिए एक्स आई माइनस मैक्सिमम ऑफ एक्स, पूरे उसमें जो एक्स है इसका मैग्नीट्यूड कर लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे अपने पास में 1 2 3 4 5, ठीक है, तो मैक्सिमम कौन है इस पूरी सीरीज में? 5, ठीक है। तो 1 - 5 / 5 कितना हुआ? 4 / 5, 4 / 5 इज 0.8, ठीक है। इसी तरीके से 2 / 5 हो जाएगा 0.4, 3 / 0.6, ठीक है, इसी तरीके से चलता रहेगा। सॉरी यहाँ पर ही गलत कर दिया क्या, 2 - 5 3 हो जाएगा, नहीं तो 3 हो जाएगा 0.6, फिर 0.4, फिर 0.2, इसी तरीके से 0.1। अब ये हो जाएगा 0, जब 5 - 5 अपन करेंगे तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 0 से लेकर कहाँ तक रेंज जा रही है, 1 तक जा रही है, ठीक है। ये हो गया एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्केलिंग, ठीक है। आफ्टर परफॉर्मिंग द अबव मेंशन टू स्टेप्स वी विल ऑब्जर्व दैट ईच एंट्री ऑफ द कॉलम लाइज इन द रेंज ऑफ -1 to 1। और सॉरी, एक चीज मैंने गलत बता दी, यहाँ पर ये एब्सोल्यूट ये नहीं आएगा,
मॉड्यूलस नहीं आएगा, सो इसके बिना ही ये होगा। तो इसके बिना जब होगा तो ये, क्योंकि ये तो माइनस को ख़त्म कर दे रहा है ना, तो इसके बिना होगा तो ये -1 से लेकर 1 तक वेरी करेगा फिर, ठीक है। सो बट दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड, देन ऑफन द रीज़न बिहाइंड दिस इज़ दैट इट इज़ टू सेंसिटिव टू द आउटलायर्स। ये जो मेथड है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आउटलायर्स के लिए, एंड वाइल डीलिंग विद द रियल वर्ल्ड डेटा प्रेजेंस ऑफ द आउटलायर इज़ वेरी कॉमन थिंग। अगर हम डील कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के डेटा के साथ में, सो डेटा प्रेजेंस ऑफ आउटलायर इज़ वेरी कॉमन, तो वहाँ पर आउटलायर्स है वो बहुत ही कॉमन है। तो अगर हम यहाँ पर आउटलायर्स के साथ में डील करेंगे तो ये काफ़ी सेंसिटिव हो जाता है, और रियल वर्ल्ड के अंदर जो डेटा है उसके अंदर आउटलायर्स होते ही होते हैं। सो फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज वी विल यूज़ द डेटा सेट विच यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हेयर। सो लेट्स ओपन इट। सैंपल डेटा को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, और मैं इसको मेरी पाइथन फाइल में इंक्लूड कर लेता हूँ। यहाँ मैंने उसको इंक्लूड कर लिया, और अब मैं आगे देखता हूँ। दैट दिस डेटा सेट इज़ अ सिमिलर वर्जन ऑफ ओरिजिनल हाउस प्राइस प्रिडिक्शन डेटा सेट हैविंग ओनली टू कॉलम्स फ्रॉम द ओरिजिनल डेटा सेट। द फर्स्ट 5 रोज ऑफ द ओरिजिनल डेटा सेट आर शोन बिलो। तो ये नीचे आप देख सकते हो पहले 5, तो कॉपी करके मैं इसके साथ में पेस्ट करता हूँ और इस फाइल को रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 5 देखने को मिल गए, ठीक है। तो पहले 5 अपने पास में निकल के आ गए। नाउ लेट्स अप्लाई द फर्स्ट मेथड विच इज ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्केलिंग फॉर दिस फर्स्ट वी आर सपोज टू इवेल्युएट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ द कॉलम्स विल डू विद द मैक्स मैक्सिमम फंक्शन एंड एनपी डॉट एपीएस ऑफ डीएफ। कंप्लीट डेटा सेट को हम एब्सोल्यूट कर देंगे, मतलब नेगेटिव पार्ट उसमें से हटा देंगे, और जितनी भी मैक्सिमम वैल्यूज हैं उसको हम इसके अंदर ले आएंगे। सो अच्छा होगा कि अगर हम इसको परफॉर्म करके, ठीक है, फॉर्म करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। तो यहाँ पर ये आ गया, या वैसे फ्यूचर वार्निंग भी दिया, लेकिन वार्निंग आप इग्नोर कर दो। और इसने ये दे दिया कि लॉस्ट एरिया जो है और एम सब क्लास 190, तो ये हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, कि मैक्सिमम वैल्यू अपनों को देखने से ही समझ में आ रहा है कि इनमें से कौन सा हो जाएगा। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सो मैक्स अपनों में, मतलब सॉरी, ये एंटायर सैंपल स्पेस है, सैंपल जो अपने पास में वो ये है, फाइल है, तो इसके अंदर से वो बता रहा है कि मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो लॉट एरिया के अंदर मैक्सिमम तो है वो ये है, और एम एस सब क्लास के अंदर मैक्सिमम 190 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम आ गया जिसका टाइप है इंटीजर। अब नाउ वी आर सपोज टू सबट्रैक्ट दीज वैल्यूज फ्रॉम द डेटा एंड देन डिवाइड द रिजल्ट फ्रॉम द मैक्सिमम वैल्यूज एज वेल। तो हम क्या करेंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे जो हमने ऊपर सीखा है, क्या हम इसको रन करवा दें। तो ये हमारा आ गया, और ये सबके साथ में अप्लाई कर दिया हम, ठीक है। आउटपुट में ये आ गया, हमने देख लिया। तो इस तरीके से हम मिन मैक्स को अप्लाई करते हैं, कि हम डेटा के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनके सब के अंदर से माइनस कर देंगे और उसको डिवाइड करेंगे मैक्स वैल्यूज़ के साथ में। मैक्स वैल्यूज़ बोथ सेट के लिए, दोनों के अंदर से, लॉस्ट एरिया के अंदर से भी और एम एस सब क्लास के अंदर से भी, दोनों के अंदर से जो मैक्सिमम वैल्यूज़ जो आई है निकल के होती है, दो हैं इन दोनों को, मतलब अगर हम बात करें लॉस्ट एरिया की, तो एक एक करके हम डिवाइड करेंगे, तो ये एब्सोल्यूट करके हम निकालते हैं मैक्सिमम वैल्यू, इसीलिए इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम।
इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंटेशन साथ साथ में बना रहा हूँ। सॉल्यूट मैक्सिमम वैल्यू दी अबव 40। द हेल्प ऑफ अबव 40। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम स्केलिंग इस पर्टिकुलर फॉर्मूला के जिससे अपनों ने अचीव कर लिया। अब अपने पास में जो है अगला है वो स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। दिस मेथड ऑफ स्केलिंग इज बेसिकली बेस्ड ऑन द सेंट्रल टेंडेंसी एंड वेरियंस ऑफ डेटा। ये जो पर्टिकुलर स्केलिंग है वो सेंट्रल टेंडेंसी के आधार के ऊपर काम करता है या फिर वेरियंस ऑफ डेटा के ऊपर काम करता है, इसके आधार पे इसको हम निश्चित करते हैं। सो फर्स्ट वी शुड कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा वी वुड लाइक टू नॉर्मलाइज। सबसे पहले हम क्या करना चाहेंगे, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर उसको उसका कैलकुलेट करना चाहेंगे जिससे कि हम उसको नॉर्मलाइज कर सकें। देन वी आर सपोज टू सबट्रैक्ट द मीन वैल्यू फ्रॉम ईच एंट्री एंड देन डिवाइड द रिजल्ट बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। सो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स आई जितने भी वो हैं उसको उसके अंदर से एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा। ठीक है, ये हम करेंगे सारे जितने भी वैल्यूज हैं। तो सबसे पहले हम इसका मीन निकाल लेंगे, डी एफ का मीन निकाल लेंगे और फिर उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे डी एफ का, और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल कर जितने भी एक्स आई पॉइंट्स हैं उनके अंदर सबके अंदर से हम ये माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं, सो दिस हेल्प अस अचीव अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी मदद से हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अचीव कर जाएंगे। समझते हैं इससे होगा क्या। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, सबसे पहले मीन, इसका मीन क्या होगा, 5, 20, 15, 15 डिवाइडेड बाय 5, इसका मीन हो गया 3। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, हाउ टू फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली उसका फॉर्मूला तो होता है वो ये होता है, ये होता है कि हम एक्स आई माइनस एक्स बार करें, उसकी स्क्वायर करें, डिवाइडेड बाय एन कर दें। ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला होता है, यही होता है ना। तो ये हमने देख लिया, इसके ऊपर लगा के देखते हैं फिर समझते हैं उसको आगे। सो इसका समेशन हो रहा होता है, समेशन एक्स आई माइनस एक्स वाई, तो 1, 2, 3, 4, 5 इसके अंदर से 3 माइनस कर 3 माइनस कर 3 माइनस कर 3 माइनस कर 3 माइनस कर, -2, -1, 0, 1, 2। ठीक है, इसका समेशन सर, इसका स्क्वायरिंग करेंगे सबसे पहले, तो 4, 1, 0, 1, 4, 5, 5, 10, 10 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया आपका 10 डिवाइडेड बाय 5। सो 10 डिवाइडेड बाय 5 रूट 10, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा आपका 0.0.632। तो अब आपका मीन भी आ गया 3। अब हर एक वैल्यू के साथ में इसको 3 से तो माइनस कीजिए और 0.632 से डिवाइड कीजिए, तो 1 के साथ में ये करके देखिए, 1 डिवाइडेड बाय -3, तो -2 डिवाइडेड बाय 0.632, तो ये आ रहा है आपका -3.164 समथिंग। सो इसकी बदौलत हमने क्या किया,
if it is already normal but skewed of the data with a mean equal to 0 and standard deviation equal to 1. अगर ये पहले से ही नॉर्मल है लेकिन स्क्यूड है, तो जो इसका मीन होगा वो तो क्या होगा, 0 होगा, पहले से ही नॉर्मल है तो, और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन वो 1 होगा, ठीक है, अगर ये पहले से ही वैसा है तो. हमने वो किया इसके ऊपर, एसके लर्न से लगा लिया. देखो यार, ये सब के लिए आप ये सब यूज़ कर रहे हो, बाकी इसकी मदद से भी आप कर सकते हो हर एक इंडिविजुअल डेटा को जो आपने ऊपर किया था, ठीक है. यहाँ आपने जिस तरीके से किया वैसे भी कर सकते हो, नॉर्मलाइजेशन जैसे यहाँ पर किया आपने वैसे भी आप कर सकते हैं. स्टैंडर्डाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन अपनों ने छोड़ दिया था, वो अपन वापस देखेंगे एक से, ठीक है. तो उसके लिए ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है हमने लगाया, ये करना था तो स्केलर इक्वल टू स्टैंडर्ड स्केलर कर लिया उन्होंने, क्योंकि ये इम्पोर्ट किया था अपने एस के डॉट प्री प्रोसेसिंग से. और स्केल्ड जो डेटा है उसके अंदर हमने क्या किया, स्केलर डॉट फिट ट्रांसफॉर्मेशन, इसके अंदर हमने डी एफ सेंड कर दिया. फिर हमने इसके अंदर एक और बनाया वेरिएबल स्केल्ड डी एफ पी डी डॉट डेटा डेटा फ्रेम की मदद से, और उसके अंदर किया जो स्केल्ड डेटा है वो डाला और कॉलम में डाला डी एफ डॉट कॉलम, जो जितने भी कॉलम्स है उसको. तो हमने इस पर्टिकुलर उसको मतलब इसमें ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की, स्टैंडर्ड स्केलर के अंदर ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की. ये एक स्केलिंग का ही है, तो इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड स्केलर. या तो हम इस तरीके से कर सकते हैं जैसे कि हमने उसके साथ में किया था, मैक्स मीन के साथ में किया था, या फिर हम विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरी भी इसको कर सकते हैं. तो इसके अंदर बड़ा ही आसान है, सबसे पहले हमने एक स्केलर फंक्शन बनाया, ठीक है, स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर हमने फिट ट्रांसफॉर्मेशन कॉल करके डी एफ भेजा जो कि रिटर्न कर देगा आपका डेटा को एक फिट ट्रांसफॉर्मेशन की फॉर्म में, और डेटा फ्रेम के अंदर हमने डाल दिया स्केल्ड डेटा जो ये डेटा है, और जो जिस जितने कॉलम्स हैं वो कॉलम्स, तो इसके जो कॉलम्स हैं उसको कॉलम्स के ऊपर देते हैं, तो ये कॉलम का नाम दे दिया इस पे, और यहाँ पर जो ये डेटा आया इसके अंदर जो डेटा गया वो यहाँ पर डाल दिया, तो वो सारा डेटा हमने स्केल्ड डी एफ के अंदर डाल दिया, जो कि अब जो डेटा फ्रेम है वो स्केल्ड फॉर्म में है. यहाँ पर तो सिर्फ डेटा है, इस पर्टिकुलर जगह पर तो डेटा है, करके दिखाता हूँ तो ज़्यादा समझ में आएगा. सो इस पर्टिकुलर टिल हियर वी गॉट ओनली डेटा. अगर आप प्रिंट करवाओगे, प्रिंट करवा के देखो आप, प्रिंट सी ए एल स्केल्ड डेटा, स्केल डेटा को अगर आप प्रिंट करवा के देखोगे आपको नजर आएगा कि ये डेटा है. अब हमें उसको एक फॉर्मेट डेटा फ्रेम में डिज़ाइन करना है. डेटा फ्रेम में डिज़ाइन करने के लिए आपको डेटा और कॉलम के नाम दोनों देने पड़ेंगे. तो इफ वी वांट टू चेंज डेटा टू डेटा फ्रेम सो we need to pass data and column name as a parent. okay. तो ये हमने कर दिया. अब आपका है रोबस्ट स्केलिंग. एक सबसे पहले ये नॉर्मलाइजेशन वाला ऊपर छूट गया था. तो नॉर्मलाइजेशन क्या है, दिस मेथड इज़ मोर और लेस द सेम एज प्रीवियस मेथड. ये जो वाला मेथड पढ़ा था अपनों ने मिन मैक्स स्केलिंग, उसी के जैसा है. बट हेयर इंस्टेड ऑफ मैक्स मिनिमम वैल्यू वी सप्रैक्ट ईच फ्रॉम द मीन वैल्यू ऑफ द होल डेटा एंड देन डिवाइडेड द रिजल्ट बाय द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में हम क्या कर रहे हैं,
हम क्या कर रहे हैं, एक्स आई माइनस एक्स का मीन निकाल रहे हैं। सबसे पहले मीन निकाल रहे हैं, फिर जो एक्स का मैक्सिमम है और एक्स का मिनिमम है उससे डिवाइड कर दे रहे हैं। सो ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन के लिए, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के लिए अगर मैं नॉर्मलाइजेशन के अंदर जाऊं और इस पर्टिकुलर फंक्शन को चला के देखूं, सो ये आ जाएगा अपना। यहाँ पर क्या किया मैंने, मिन मैक्स स्केलर को कॉल किया, नॉर्मलाइजेशन के अंदर मिन मैक्स स्केलर को कॉल किया, और उसके बाद में मैंने फिट किया ट्रांसफॉर्म, मतलब फिट ट्रांसफॉर्म को कॉल किया इस स्केलर के अंदर। देखो ये एक स्केलर है, फिटिंग मैं इसको लिख देता हूँ इस पर्टिकुलर फंक्शन से, फ्रॉम दिस क्लास दिस ऑब्जेक्ट वी आर इनिशिएटिंग इनिशियलाइज फिटिंग स्केलर स्केलर ओके सॉरी फिटिंग स्केलिंग एंड सॉरी फीचर स्केलिंग, सॉरी गाइस ये फीचर स्केलिंग ओके। देन यहां पर हम यूज कर रहे हैं उसका मेथड, हेयर वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ स्केलर, मेथड ऑफ स्केलर टू ट्रांसफॉर्म द डेटा, फ्रॉम द डेटा एज डेटा हैज बीन ट्रांसफॉर्म्ड सो इट विल रिटर्न द डेटा, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग द डेटा फ्रेम इंटू डेटा। सो हमने मिन मैक्स स्केलर को यूज करके ट्रांसफॉर्म कर लिया डेटा को, ठीक है, इस पर्टिकुलर फंक्शन की मदद से, इसके मेथड की मदद से हमने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया, किसमें, मिन मैक्स स्केलर में, ठीक है। तो वो रिटर्न करेगा एक स्केलिंग पार्ट को, स्केलिंग पार्ट को रिटर्न किया, उसकी मदद से हम डेटा फ्रेम में डालकर, डेटा हमें भेजना पड़ेगा, हमें कॉलम के नाम भेजने पड़ेंगे, और उसकी मदद से हमने डेटा फ्रेम के अंदर डाल दिया और हेड लगाकर हमने उसका आउटपुट ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर गया, ये जो पर्टिकुलर आपका हो गया लोड एरिया और एम एस सब क्लास। तो ये इस तरीके से हम उसको कन्वर्ट करते हैं। अगला जो है हमारे पास में है वो है रोबस्ट स्केलिंग का। इन दिस मेथड ऑफ स्केलिंग वी यूज टू मेन स्टैटिस्टिकल मेजर्स ऑफ डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल मीन मीडियन एंड देन इंटर क्वार्टाइल रेंज। सो इंटर क्वार्टाइल रेंज, मीडियन से तो हम माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज को, हम रोबस्ट कर रहे हैं स्केलिंग को, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं, रोबस्ट स्केलर को यूज़ करेंगे, फिट करेंगे ट्रांसफॉर्म। अरे बहुत सिंपल है, अब तो कुछ नहीं है, चलो एक बार हम खुद से करके देखते हैं। फ्रॉम लगाते हैं फ्रॉम किससे, एसके लर्न से, लर्न डॉट प्री प्रोसेसिंग, क्योंकि यहाँ पर प्री प्रोसेसिंग हो रही है, प्री से इम्पोर्ट कर रहे हैं हम किसको, रोबस्ट स्केलिंग को, रोबस्ट स्केलर को, यहाँ पर हम किसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, रोबस्ट स्केलर को। तो चूंकि एक क्लास है रोबस्ट, देखो एक कन्वेंशन है, आप क्लास को कैसे पहचानोगे, क्योंकि स्टार्टिंग के दोनों वर्ड्स कैपिटल है। अगर ये एक वो होता ना फंक्शन होता, तो स्टार्टिंग का ये वाला स्मॉल होता और ये वाला कैपिटल लेटर होता, ठीक है, हमने कर लिया। सो एक स्केलर बनाया, सबसे पहले हमने स्केलर बनाया, ठीक है, और इसके अंदर क्या किया हमने, इस पर्टिकुलर क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है, ये लो बना लिया। अब हमने क्या किया, डेटा को कन्वर्ट करना है। सो डेटा चाहिए अपनों किस फॉर्म में, कन्वर्टेड फॉर्म में, तो स्केलर डॉट फिट। अब देखिए यहाँ पर फिट ट्रांसफॉर्म है, चूंकि ये मेथड है, तो मेथड के अंदर तो बाय कन्वेंशनल क्या है, ट्रांसफॉर्म
फिट ट्रांसफॉर्मेशन है ना, फिट ट्रांसफॉर्म, हमें किसके ट्रांसफॉर्म करना है, डीएफ जो डेटा है उसको उसको भेजना है और उसका डेटा लेना है। डेटा के अंदर करवा लिया अपनों ने उसको, ठीक है। अब हमें एक और स्केल्ड जो डीएफ है वो चाहिए, मतलब अब जो ये डेटा फ्रेम है हमें नया डेटा फ्रेम चाहिए जो कि स्केल्ड वर्जन का है। तो हमने पांडास डॉट डेटा फ्रेम उसके क्लास को कॉल किया, ठीक है, और इस क्लास के अंदर हमें भेजना पड़ेगा दो चीज़ों को, एक तो डेटा को, दूसरा कॉलम के अंदर, कॉलम वाले पार्ट के अंदर जो पुराना जो डीएफ था, जो अपना डेटा फ्रेम था उसके जितने भी कॉलम्स हैं उसको, ठीक है। फिर बाद में मैंने प्रिंट करवा दी स्केल्ड डॉट, अगर मैं सॉरी स्केल्ड डीएफ डॉट एचईएडी हेड मेथड को मैं कॉल करूँगा तो मेरे को यहाँ पर मिल जाएगा। क्या दिक्कत दे रहा है, कह रहा है कि इनिट, क्यों भाई इसमें क्या दिक्कत आई? अच्छा यहाँ पर कॉलम्स आना चाहिए था, आउटपुट क्यों नहीं आ रहा भाई? प्रिंट कर देखते हैं। प्रिंट सही हो गया हमारा, प्रिंट ये आ गया डेटा हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो पेशेंसफुली, यू आर वेरी गुड लिसनर, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।